Hey guys, good morning and welcome back to another vlog. तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी. बाकी ये आ चुका है हम लोग का एवरीडे का मील, फर्स्ट मील. यहाँ पे है प्रोटीन शेक, लड्डू और एलमंड्स. सो चलता हूँ अपना फटाफट, ये ब्रेकफास्ट फिनिश करता हूँ और निकलता हूँ. आज सेकेंड डे हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का. और ये कल जो रात को मैंने आप लोग को बताया था पार्सल है, 2 शूज़ के बॉक्स हैं, ये दोनों मुझे अपने स्टोर में लेके जाने. तो चलता हूँ फटाफट ब्रेकफास्ट करता हूँ. और इनका सबसे बड़ा मेन जो चैलेंज है वो इसको बाइक पे लेके जाना है, बिकॉज मैं यहाँ से स्टेशन तक बाइक से जाता हूँ. ट्रेन में तो ठीक है, कैरी कर लूँगा दोनों बॉक्स हाथ में, दोनों पैकेट हाथ में, लेकिन यहाँ से बाइक पे ये दोनों पैकेट लेके जाना सबसे बड़ा चैलेंज है, संभाल के लेके जाना पड़ेगा. तो चलता हूँ फटाफट अपना ये लंच, अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोग से निकलते टाइम. सो गाइस आज है मंडे और तुर्बे का सुनसान मार्केट आप चेक कर सकते हो, सारा मार्केट बंद है. और आज मुझे वापस आना पड़ा ये 2 पार्सल लेके पूमा के अपने स्टोर, बिकॉज आज मेरी मॉर्निंग दे दी है लोग ने. सो अब जो बोलेगा मैनेजर वो करना पड़ेगा, आप लोग को पता है. बाकी ऐसा कुछ है मॉर्निंग व्यू यहाँ पे. चलता हूँ मैं अभी, ओपनिंग करता हूँ ज़रा स्टोर वगैरह की, सब सेटअप वगैरह करता हूँ सिस्टम, और फिर आप लोग से मिलता हूँ आराम से फुर्सत में. अभी आने वाला है मेरा स्टोर, ये चेक करो आ गया अपना पूमा स्टोर. चलता हूँ मैं मिलता हूँ आप लोग से थोड़ी देर में. सो गाइस आ चुका हम लोग का आज का आफ्टरनून का लंच. यहाँ पे है पनीर फ्राइड राइस, सैलेड और फ्रूट्स में हमारा ग्रेप्स. सो चलता हूँ फटाफट ये लंच फिनिश करता हूँ. आज लंच जल्दी कर रहा हूँ, अराउंड 1:30 हो रहा है अभी, बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, मुझे छींकें आ रही है, छींकें रुक नहीं रही है और बॉडी पेन हो रहा है, सर्दी जैसा लग रहा है. सो चलता हूँ ये फटाफट लंच फिनिश करता हूँ, थोड़ा एनर्जी है, ये दवा खा लिया हमें और फिर मिलता हूँ आप लोग से थोड़ी देर में. सो गाइस मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ और अभी आ चुका हूँ तुर्बे स्टेशन. यहाँ पे नेहरूल की ट्रेन लगी है 7:45 की, आज बराबर टाइम पे निकल गया. वैसे भी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा जल्दी निकलने वाला था लेकिन जल्दी नहीं निकल पाया, कस्टमर था, काम था थोड़ा. सो अभी फ़िलहाल वेट कर रहा हूँ, नेहरूल से जाऊँगा, नेहरूल वहाँ से ट्रेन चेंज करके फिर पनवेल की लेंगे. ये जो ट्रेन है ये जा रही है थाने. सो वेट करता हूँ, आई थिंक मेरी भी ट्रेन आ ही गई है नेहरूल वाली. सो गाइस बहुत खुशी की बात है, मैं अभी जस्ट जॉब से आया हूँ, टाइम हो रहा है 8:30 और मैंने प्रथमेश को बुलाया कॉल करके कि आ जा भाई, हम लोग के 7,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, चलते हैं कुछ बाहर खाते हैं, नाश्ता करते हैं. तो कुछ खाने का मन नहीं किया, मतलब ऐसे ही आए थे, तो दाबेली खाने का मन कर रहा था, इसको भी मेरे को मन कर रहा था, इससे पूछा ये भी खाएगा बोला. सो आ गए दाबेली खाने, देखते हैं ये खाने के बाद कुछ और मन किया खाने का तो खाएंगे, और उसके बाद निकलते क्या होता है ऐसे ही भाई देख रहा था भाई. बहुत 6 साल बाद 7,000 1 साल बाद 1,000 सब्सक्राइबर हुए. 1 साल बाद 1,000 सब्सक्राइबर हुए, 5 पे था 1 साल पहले. बहुत तगड़ा सफर करा है और आगे जाना है, बहुत बहुत वीडियोस बना रहे भाई. तो चलते हैं फटाफट दाबेली खाते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या है, मैं मिलता हूँ आप लोग. शहर गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ और कपड़े वगैरह चेंज नहीं किया, खाली हाथ मुंह धो लिया हूँ. 9 बज रहे हैं और भूख लगी है बहुत जोर की. ये आ चुका है हम लोग का आज का यहाँ पे डिनर, चेक करो. बट्टी चोखा, यहाँ पे बाटी है ये 3, यहाँ पे ये चोखा है आलू का जो बनता है, और ये दाल देसी घी में अपने. सो चलता हूँ, और ये एक टाइप का अचार है, बरर मिर्चा जिसे कहते हैं, वो रेड कलर की जो मोटी मिर्ची आती है ना, उसके अंदर सब स्टफिंग भर के ये अचार बनाया जाता है. सो ये ऐसा कुछ है हम लोग का आज का यहाँ पे डिनर. चलता हूँ फटाफट डिनर करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आप लोग से. हम तीनों लोग आर्यन, मैं और आदित्य, अभी हम लोग फिलहाल आए सिकेडी के पास. ये सिकेडी का न्यू लॉ कॉलेज है, चेक करो. आया कि नहीं हूँ चेक करो, मतलब देखो. तो गाइस घूमते घूमते हम लोग आ चुके हैं शिव मंदिर टेंपल पे. ये चेक करो, ये लेक है यहाँ का, जहाँ पे गणपति विसर्जन और जो देवी आती हैं दुर्गा माँ, वो भी विसर्जन यहीं होता है इसी लेक में, और हमारे घर की गणपति भी यहीं पे विसर्जन होती है. ये चेक करो, सब लोग यहाँ पे, प्रथमेश, आर्यन, शिवराज, आदित्य, सब लोग आए यहाँ पे. इस बंदे को 2 दिन घर पे लेटा था फूड पॉइजन में, फूड पॉइजनिंग की वजह से लूज मोशन हो रहे थे इसे, चट्टी को इसने पीली कर दी. तो बस चलते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे गंदे पानी में बातचीत करते हैं थोड़ा,
माइंड फ्रेश करते हैं, बहुत दिनों बाद ऐसे टाइम मिला है। और अभी वैसे टाइम क्या हो रहा है? पौने ग्यारह हो रहा है। मैं मिलता हूँ आप लोग से घर चल के। सो यार गाइस, रात के 12 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट घर पे आया हूँ। बाकी आज काफी ज्यादा एंजॉय हुआ, बहुत मजा आया आज बाहर घूम के दोस्तों के साथ एंजॉय करके। ऐसे ही कभी कभी फ्री टाइम मिलता है ना मुझे, तो मैं दोस्तों को कॉल करता हूँ। कोई मतलब, अब देखो आज कोई भी फ्री नहीं था, किसी का मूड नहीं था ऐसा नीचे आने का। सिर्फ प्रथमेश था मेरे साथ एक। सूरज की तबीयत खराब थी, वो घर पे सोया था, आराम कर रहा था। आदित्य घर पे था, उसका कुछ आता पता नहीं था। आर्यन अपने घर पे था, लेकिन सबको कॉल किया, मैं जल्दी आ गया, फटाफट खाना खाया, सबको कॉल मारा, बोला आ जाओ फटाफट नीचे बिल्डिंग में। पहले हम लोग हाफ एन आवर थे, बातचीत किए, हंसी मजाक किए, फिर बोले कि चलो बाहर एक राउंड मार के आते हैं, फिर स्कूटी निकाले, बाइक निकाले, जाके एक पूरा खानदा कॉलोनी का राउंड मार के फिर अभी घर पे आके सब लोग अपने अपने घर पे गए। सो ऐसा कभी कभी करना चाहिए। आप लोग दोस्त लोग के साथ अपने टाइम अभी नहीं स्पेंड करोगे ना, तो बाद में ये सब चीज़ें याद करोगे। बिकॉज कैसा है ना कि मैं, हम लोग के सामने मैंने देखा है, मेरे बिल्डिंग में जो जब हम लोग छोटे छोटे थे, एक फैक्ट बता रहा हूँ आप लोग को, बाकी सब टॉपिक से हट के आज इस टॉपिक पे बात करता हूँ आप लोग से। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, हम लोग जो हमारे बिल्डिंग में बड़े लड़के थे, हम लोग उनको दादा बोलते थे। सो उन लोग जब ऐसे ही ग्रुप बना के रात में बातचीत करते थे, एंजॉय करते थे, तो हम लोग सोचते थे कि यार क्या ये लोग फालतूगिरी करते हैं रात को, इतने इतने लेट तक बाहर बातचीत करते हैं, ऐसा वैसा। और अब हम लोग वही चीज़ सेम रिपीट कर रहे हैं, और हम अब देखते हैं कि वो, उनके पास फुर्सत नहीं है। आपको लिटरली ये बात बता रहा हूँ, उनके पास फुर्सत नहीं है। अभी हम लोग नीचे बैठते हैं, मिलते हैं दोस्त लोग, हम लोग का 4 लोग का 5 लोग का गैंग है, हम लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, खाते पीते हैं साथ में। लेकिन वही सेम चीज़ अब हम लोग देखते हैं, पहले जब उन लोग यही चीज़ करते थे, अब उन लोग के पास किसी के पास टाइम नहीं है, सबकी शादी हो गई है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, अपने घर परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अब कोई भी मिलता नहीं है। सिर्फ संडे को मिलते हैं, वो भी कभी कभी मिलते हैं जब हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते हैं, तभी सब लोग मिल पाते हैं, अदरवाइज सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। सो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो टाइम रहता है ना, ये 18 साल से लेके 22-23 मैक्स टू मैक्स 24 साल का जो एज होता है ना, जब तक आपकी शादी नहीं होती, सीधी बात, जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक आप लाइफ एंजॉय कर लो। बिकॉज उसके बाद एक बार आपकी फैमिली आ गई, आपके घर, बीबी, बच्चे, माँ बाप, सबका ध्यान रखने में ये सब टाइम याद करोगे। बिकॉज यही सब वो पल है, यही सब वो मोमेंट है, जब आप बड़े हो जाओगे, अपने अपने काम में बिजी हो जाओगे, तो यही सब बात बैठ के रिकॉल करोगे, याद करोगे कि भाई ऐसे हंसी मजाक करते थे, कभी इस फ्रेंड की खींचना, कभी हम मेरी कोई कभी खींच लेता है, कभी हम सब मिलके किसी और फ्रेंड की खींच लेते हैं। सो ये सब हंसी मजाक ग्रुप में मस्ती मजाक होता रहता है। अभी हम लोग गए थे शिव मंदिर रात को, वहाँ पे थोड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट था, अच्छा एनवायरनमेंट था, वहाँ पे घूम फिर के बातचीत करके आए। सो ऐसा कभी करो, मजा आएगा। आप लोग को दिन भर जो भी टेंशन हो, आपके जॉब का टेंशन हो, आपके पढ़ाई का टेंशन हो, बोर्ड्स का टेंशन, मतलब कुछ भी टेंशन हो, शाम के टाइम एक बार दोस्तों के साथ, अपनी जो ग्रुप है, आपकी ग्रुप है दोस्तों की, बेस्ट फ्रेंड्स की ग्रुप है, उनके साथ मिलके बातचीत करो, टाइम स्पेंड करो, हंसी मजाक करो, एक दूसरे की का मजाक उड़ाओ ग्रुप में जब रहते हो तो। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ, मजाक उड़ाने से कैसा रहता है ना मालूम है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है, आप किसी की खींचोगे फिर वो कुछ रिप्लाई में बोलेगा, तो ये सब चीज़ें मजा आती है, यही सब चीज़ें आप याद करोगे आगे चल के। मुझे ऐसा लगा आप लोग को ये बात बोलना चाहिए, बिकॉज यही वो सारी चीज़ें, अभी हम लोग बचपन की बात भी याद करते हैं ना, अरे यार हम लोग छोटे थे तो हम लोग घर से शाम को खेलने आते थे, शाम को बराबर ट्यूशन स्कूल ख़त्म करके शाम को 5 बजे खेलने आते थे नीचे, क्रिकेट, लपा छुपी, जो भी गेम खेलते थे, भाग दौड़ी, इधर उधर जो भी खेलते थे, 7 बजे एग्जैक्ट घर पे आने का टाइम था, घर वालों ने बोला था 7 बजे तक घर पे आना है, हाथ मुँह धो के खाना खा के सो जाना है, बिकॉज अगले दिन सुबह 6 बजे उठना था स्कूल जाने के लिए। सो वही सब बातें रिकॉल होती हैं, याद आती। भाई एक टाइम था हम लोग नीचे 7 बजे मैक्स टू मैक्स 7 बजे तक रहते थे शाम के टाइम, उससे लेट रुक नहीं पाते थे, घर वाले अलाउ नहीं करते थे, और आज एक टाइम है हम लोग 12 बजे 11:30 बजे तक बाहर घूम रहे हैं, बाहर मतलब बिल्डिंग के नीचे ही है, कहीं दूर बाहर नहीं जाते। सो यही सब चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे जैसी जैसी आपकी एज बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, आपका काम बढ़ता है, आपके खुद के कुछ ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, आपको ध्यान देना होता है, उनके पीछे लगना होता है। सो ये सब टाइम निकाल के थोड़ा अपने जो लाइफ रहती है उससे टाइम निकाल के, आधा घंटा, एक घंटे का, जितना भी आपसे टाइम निकल सके, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, अपनी जो आपकी गोल ग्रुप रहती है उनके साथ हंसी मजाक करो, उठो बैठो, कहीं बाहर घूमने जाओ, कहीं बाहर खाने पीने चले जाओ कभी। सो ये सब करोगे तो मज़ा आएगा, आप लोग को लगेगा कि भाई कुछ भी दिन भर, अब मेरी तबीयत खराब थी आफ्टरनून में, लेकिन बीच में थोड़ा आराम मिल गया, मैंने जब मेडिसिन खा लिया
उसके बाद अभी मैं फील अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरे को सर्दी वगैरह कुछ भी नहीं, छींक भी रुक चुकी है। सो थकान थी बॉडी में, काफ़ी नींद आ रही थी, लेकिन खाना खाने के बाद ऐसे ही अचानक से प्लान बना, बोला आज जल्दी आ गया हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, दोस्तों को बुलाता हूँ, बातचीत करते हैं, तो फ्रेश हो गया, पूरा माइंड फ्रेश हो गया। अब हफ्ते भर मैं आराम से काम करूँगा, फिर जब मेरा वीक ऑफ होगा, छुट्टी होगी, फिर मिलेंगे, बातचीत करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो ये सब चीज़ें करो, ट्राई करो, यही सब चीज़ें आप लोग को एक्सपीरियंस देंगी। यादें हैं ना, जो यादें वो समेट के रखो अपने पास, बिकॉज यही सब यादें आप लोग कल जब बूढ़े हो जाओगे, बड़े हो जाओगे ना 40 साल 50 साल के, तो याद करोगे कि भाई एक टाइम था हम लोग रात को ऐसे बैठ के मस्ती मजाक हंसी मजाक करते थे, एक स्कूटी पे, एक बाइक पे तीन तीन दोस्त घूमते थे ट्रिपल सीट में। सो ये सब चीज़ें काफ़ी याद आएंगी। तो बस उसी तरह हम लोग भी यादें बना रहे हैं, हम लोग की ग्रुप से मस्ती मजाक करते हैं। अभी 12 बज रहे हैं, मैं भी चलता हूँ, सोता हूँ, आराम करता हूँ थोड़ा। कल सुबह हम लोग को 7 बजे जिम जाना है, तो थोड़ा आराम से सोएंगे, आराम से उठेंगे, 7 बजे उठूंगा, 7:30 बजे तक जिम जाएंगे, और देखेंगे फिर कल का कैसा क्या दिन रहता है। बाकी मैं दिन भर आप लोगों को कुछ नहीं दिखा रहा हूँ इसलिए, बिकॉज है ना वही सेम चीज़ें हो रही हैं, रिपीटेड चीज़ें हो रही हैं। सो मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग भी बोर हो और मैं भी बोर हूँ वही सेम चीज़ शूट करके व्लॉग बना के। सो इसलिए मैं नॉर्मल जो कुछ अलग होता है, कुछ अलग दिखाने बताने लायक रहता है तो दिखाता बताता हूँ, अदरवाइज शाम को इसी तरह आके रोज आप लोग से थोड़ी बहुत बातें करता हूँ, आप लोग से भी चीज़ें शेयर करता हूँ मेरी, बस यही सब चल रहा है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोग को, और कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग को भी, और मैं खुद को भी बोलना चाहूँगा, हम लोग के 7000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए आज। मुझे लगा ही नहीं था कि आज भी होंगे, बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स कैसे हो रहे थे, 6996 हो रहे थे, फिर 6994 हो रहे थे, 2 कम हो रहे थे 3 बढ़ रहे थे। तो लेकिन आज फाइनली 7K हो चुके हैं हम लोग के सब्सक्राइबर्स, और भले ही स्लो ग्रोथ है, लेकिन ऐसी जब अचीवमेंट्स होती है ना, नंबर जो अचीव होता है ना, गोल अचीव होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। 7000 हुए हैं, कल 7 लाख होंगे, परसों 7 मिलियन होंगे। सो इसी तरह देखते हैं, चलने दीजिए इसी तरह स्ट्रगल, और मज़ा आता है वीडियो बनाने में, व्लॉग बनाने में, तब तक बना रहा हूँ आप लोगों के साथ, मेरी जो लाइफस्टाइल है, मेरी कहानियाँ है, सब कुछ शेयर करता हूँ। और अगर पसंद आता है सारी वीडियोस तो इन्हें लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। बाकी चलता हूँ मैं भी, करता हूँ आज के व्लॉग को यहीं पे, मिलता हूँ आप लोग से कल के व्लॉग। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।